नमस्कार, पीसीएन न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नवजीवन बैंक अपनी कई शाखाएं उल्लासनगर में खोलती जा रही है। ऐसी एक शाखा कुमार डिपार्टमेंट के बाजू में खोली गई, जिसका मुहूर्त बाबू लीलाराम जी के हाथों से हुआ और वहां पर उपस्थित थे पद्मा कोचिंग क्लासेस के लाल सर और कई गणमान्य व्यक्ति। आई क्या कहते हैं ये सब जानते हैं नवजीवन बैंक के बारे में।
दादी खुशी जी गाला असा दादा जन 1992 में सीर चौक से नवजीवन बैंक जी के ब्रांच आई वह नंढी पी थे ग्राहक जाम वधी वा इन करे असाजे माखीजा साहब दिनेश साहब गुदी करे नई जगह वरती अतूँ ए तमाम सुठे नमूने रिनेशन कराई अतूँ जो ग्राहकन के तमाम सहूल थे मां लाल साई दर प्रार्थना कदम तो ये बैंक रैंक जो है अगे का भी अगरी हलंदी ए तमाम सुठी हलंदी ए मां खास करे नवजीवन बैंक दादा जो पलो तो पाया दादा जाते भी हुजन असा सभी के आशीर्वाद कन ये बैंक जो है नवजीवन वधंदी रहे वधंदी रहे हाँ खाली थाना से ही पहुंची है पर मां कदम तो महाराष्ट्र में भी पहुंची वी कर बैंक की कुल 8 शाखाएं हैं अलग अलग कैंप में अलग अलग शाखा है 1 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में 3 है 4 नंबर में 5 नंबर में 1 थाना में है और 1 हेड ऑफिस है बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं हर एक ब्रांच जो है अपने अपने में मजबूत है बैंक की तरफ से क्या नई सुविधाएं आने वाले समय में ग्राहकों को मिलने वाली हैं आने वाले समय में हमें जो मोबाइल बैंकिंग है नेट बैंकिंग है वो चालू होने वाला है यूपीएस वगैरह सब स्टार्ट होने वाले अभी 1-2 महीने में चालू हो जाएगा परमिशन मिल गई सब ट्रायल हो गया है अभी बाकी चालू करना बाकी है वो जल्दी हो जाएगा सर बैंक द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए जो सीनियर सिटीजन का खास ख्याल रखा जाता है उन्हें बहुत सारी जो सर्विसेज है यहाँ पे एडिशन उपलब्ध कराई जाती है क्या है वो सर्विसेज सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन को दूसरे के जनरल पब्लिक के हिसाब से 0.5% एक्स्ट्रा दिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और उनको सहूलियत है अगर वो नहीं आ सकते हैं तो उनको हम अपना आदमी भेज के उनसे फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं या दूसरे फैसिलिटी है सेविंग बैंक में करंट बैंक में होम सर्विस भी उनको सीनियर सिटीजन देते हैं और हमारे यहाँ आके उनको बैठने की सुविधा है कोई भी तकलीफ है हम उनकी दूर करते हैं सब बैंक्स के हिसाब से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कॉम्पिटिटिव है सबसे ज़्यादा है मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे बैंक के अलावा और किसी बैंक का हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है सीनियर सिटीजन अभी फिक्स डिपॉजिट 8% है फॉर 1 ईयर 1 to 2 ईयर्स और जनरल पब्लिक का 7.5% लेकिन अगर बल्क अमाउंट में रखेंगे खासकर 25 लाख या उससे ज्यादा तो 8.10 आज बैंक की सिविल चौक शाखा का उद्घाटन हुआ है इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आज जापानी बाजार वाले सभी दुकानदारों के लिए और आज उल्लासनगर के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज उल्लासनगर में जो हमारी 2 नंबर वाली ब्रांच थी जो एस्टेब्लिश हुई थी 1992 में सिरू चौक वाली ब्रांच कहा जाता है हमारी बैंक को हमारी नवजीवन बैंक की 1992 में जो ब्रांच खुली थी जो अंदर के तरफ थी तो इस बार हम लोगों ने ये ब्रांच को मेन रोड पे लेके आए हैं जापानी बाजार जहाँ पे राज सिल्क वालों का दुकान हुआ करता था यानी कुमार डिपार्टमेंट स्टोर के एकदम बाजू में हमारी एक फुल्ली फर्निश्ड एयर कंडीशन ब्रांच खुली है आज बैंक की आज उल्लासनगर के लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि नवजीवन ब्रांच ने 5 लाख रुपए का लोन माना अनसिक्योर्ड लोन जिसे कह सकते हो यानी 2 साल के अगर आपने रिटर्न्स भर दिए दुकानदार जो छोटे छोटे दुकानदारों को जो पैसों की जरूरत होती है तो हमने एक स्कीम बनाई है कि 5 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आपको 2 गारंटर्स और आपकी ITRs पे कर डिपॉजिट करनी है तो आपको अनसिक्योर्ड लोन्स भी मिल जाएंगे हम आपको CC प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक आपको ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कर रही है तो सारे दुकानदार प्लीज इसका फायदा लें इसका बेनिफिट लें क्योंकि आपके डोर स्टेप पे ही आपके एकदम दुकानों के सामने ही हमारी बैंक आ रही है नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक की ये न्यू ब्रांच तो मैं नहीं बोलूंगा ब्रांच हमारी सिरू चौक पे ऑलरेडी है जस्ट हमने शिफ्ट करके उसको नई जगह पे लेके आए हैं जापानी बाजार के मेन रोड पे सर ये नई ब्रांच जो शिफ्ट की गई है जिसका स्थलांतरण किया गया है इसमें क्या सुविधाएं रहेगी और किस कारण से ये शिफ्ट की गई है बैंक का टाइमिंग सर क्या है उल्लासनगर के लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पहली बात तो ये ब्रांच को हमारी विजिट करिए क्योंकि हमारी ये लोकल ब्रांच हमारे मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल
तो हमारी जो लोकल ब्रांच है इतने सालों से उल्लासनगर से चल रही है नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, ये जापानी बाजार के मेन रोड पे शिफ्ट की गई है, कुमार डिपार्टमेंट स्टोर के बाजू में। हाउसिंग लोन हमारे पास अवेलेबल है जो चीपेस्ट रेट पे है। हमारे पास एजुकेशन के लिए लोन्स अवेलेबल है, जो भी स्टूडेंट्स है जिनको एजुकेशन करनी है, जिनको फीस भरनी है, यूनिवर्सिटी में फीस भरनी है, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो और आपको फीस चाहिए, तो हम आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे। फिक्स डिपॉजिट पे हमारा बहुत अच्छा स्कीम चल रहा है, बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, बहुत अच्छे सीनियर सिटीजन के रेट्स हैं, आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये ब्रांच को बाहर लाने का सबसे बड़ा ये रीजन था कि जो सीनियर सिटीजन्स है जो बेचारे ऊपर अंदर नहीं जा सकते हैं, या ऊपर हमारी जो ब्रांच थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे बेचारे सीनियर सिटीजन नहीं चढ़ पा रहे, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे लेके आए हैं। यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटीज है, एफडीज पे बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, ओडी आपको प्रोवाइड की रही है, छोटे छोटे दुकानदारों को जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए आपको वन डे सेंक्शन मिल जाएगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है और आपके पास गारंटर्स अवेलेबल है, वन डे सेंक्शन हम आपको ओवरड्राफ्ट का दे रहे हैं। तो आप एक बार आइए हमारी ब्रांच में विजिट करिए, एंड दिस ब्रांच इज नियर बाय कुमार डिपार्टमेंट स्टोर। टाइमिंग बैंक के 10:30 से लेके 4:30 तक, सवेरे 10:30 हम बैंक ब्रांच चालू करेंगे, 4:30 तक वर्किंग है और हर तरह की फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज इधर नवजीवन के सीरू चौक ब्रांच का स्थलांतरण किया गया, ट्रांसशिफ्ट किया गया है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे, बैंक के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बैंक तो उल्लासनगर में फॉर कम्युनिटी के लिए द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, वी आर द बेस्ट फॉर गिविंग सर्विसेज टू द पीपल। Now, especially since the branch is now located, shifted to a good place, so we expect there will be more footfalls and we expect more good business in this area, because all are surrounded by business people. So there are various loan products which are very attractive. We will market that and we feel that we will be getting a good business for a bank. Sir, arbitrage market mein RBI ke strict rules and regulations ke beech ek aur jahan cooperative bank struggle kar rahi hai, तो दूसरी ओर नवजीवन बैंक के न्यू ब्रांचेस शिफ्ट करना और लगातार बैंक का विस्तार हो रहा है, तो व्हाट इज दैट फैक्टर व्हिच मेक्स नवजीवन बैंक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कॉम्पिटिटर्स? देखिए, हम लोगों ने नवजीवन बैंक दादा ने स्टार्ट की थी 1985 में, और जब भी दादा ने नवजीवन बैंक स्टार्ट की थी तो दादा का एम था कि हम लोग के कम्युनिटी के लिए कोई बैंक हो, तो कम्युनिटी के लिए यहाँ पे जो भी बाकी सब थे ना बैंक थे, तो उन लोग को उधर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी पीएसयू प्राइवेट बैंक थी, उधर जो सिंधियों को या दूसरी जो हम लोग कम्युनिटी है उधर उनको सर्विसेज बराबर नहीं मिलती थी। तो दादा ने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हम लोग के बैंक का रखा था कि हम लोग का जो सर्विस है ना, दैट शुड बी पार एक्सीलेंस वर्सेज जो दूसरी बैंक है उनसे हम लोग का सर्विस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि अगर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हम लोग का, तो हम लोग का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो हम लोग का मोटो भी है और हम लोग का ये स्लोगन भी है, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, तो हम लोग अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं सर्विसेज में। रिगार्डिंग जो कॉम्पिटिटिव सीनारियो है, कॉम्पिटिटिव वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सब बैंक्स के लिए है कॉम्पिटिटिव सीनारियो है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आरबीआई भी जो है ना उन बैंकों को, मतलब जैसे बोलते हैं कि ना फेवरेबल नजर से देखती है, कॉपरेटिव बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका एनपीएस कम हो, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी हो और जिनका कैपिटल रेशियोस बहुत स्ट्रांग हो। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग लास्ट कोविड के टाइम पे हम लोग के एनपीएस लेवल्स काफी हाई हो गए थे, पर अभी अगर आप देखेंगे तो हम लोग का एनपीए लेवल्स नियर जीरो पे है, नेट एनपीए हम लोग का नियर जीरो पे है, और कैपिटल एडिक्वेसी आप अगर देखेंगे तो वी आर क्लोज टू 20% कैपिटल रेशियोस, जिसमें आरबीआई का रिक्वायरमेंट है इट शुड बी अबाउट 9%। तो इन नंबर से ही आपको मालूम पड़ता है कि हम लोग बैंक कितना एज ए कैपिटल और एनपीएस में हम लोग कितना स्ट्रांग है। तो सर्विस के साथ हम लोग अपना बैलेंस शीट पे और पीएनएल पे भी फोकस करके रख रहे हैं, तो एक बाजू से हम लोग सर्विस पे फोकस कर रहे हैं, एक बाजू हम लोग अपना जो है ना फाइनेंशियल्स जो है वो अच्छी तरह मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं इधर। नवजीवन बैंक के फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स दे हम लोग का, कैसे दादा का एक क्या बोलते हैं प्रिंसिपल होता था या विजन होता था कि भाई ना बैंक में 3 या 4 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस आनी ही चाहिए। हम लोग अभी पिछले 10 साल से आरबीआई नए लाइसेंसेस नहीं दे रही थी, उनके रीजंस थे, कॉपरेटिव बैंक्स में काफी स्कैम हो रहे थे, पीएमसी बैंक डूब गया,
तो उसकी वजह से आरबीआई भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, तो इसकी वजह से नए लाइसेंसेस, नए ब्रांच के लाइसेंसेस कॉपरेटिव बैंक को नहीं दे रही थी। तो हम लोगों ने रीअलाइन किया कि हम लोग का बिजनेसेस हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग का 4 नंबर का और 2 नंबर का हम लोग को कस्टमर्स का बहुत कंप्लेंट था, क्योंकि हम लोग का ब्रांचेस फर्स्ट फ्लोर पे है तो एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। और हम लोग का जो सीरू चौक का जो पहले ब्रांच था वो एक लेन के अंदर था, छोटा लेन है, तो उधर गाड़ियां भी अंदर जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो हम लोगों ने कस्टमर को सर्विस बेटर करने के लिए और हम लोग का सर्विस और इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने दूसरा जगह ढूंढना चालू किया। तो 4 नंबर का भी हम लोग फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए और मार्केट में आ गए। सिमिलरली 2 नंबर का भी हम लोग का जो लेन के अंदर था और फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे था वो हम लोग यहाँ पे आ गए मेन बाजार में, जापानी बाजार में आ गए और हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे है। और दोनों चीजों पे कैसे था ना कि वहां पे 4 नंबर में भी हम लोग को एटीएम नहीं था, 2 नंबर में भी एटीएम नहीं था, अभी दोनों ब्रांचेस में हम लोग के पास एटीएम है और एटीएम हम लोगों ने ऑर्डर किया है, वो भी एटीएम सर्विसेज भी हम लोग का जल्दी चालू हो जाएगा। फ्यूचर प्लान्स अभी देखेंगे तो आरबीआई अभी थोड़ा लैक्स हुआ है क्योंकि उन लोगों ने रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट किए हैं, तो जो भी रेगुलेशंस मीट करता है उनको आरबीआई अभी लाइसेंसेस ग्रांट करना चालू किया है। तो हम लोग को उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर से हम लोग को लाइसेंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोगों का जैसे दादा का भी प्लान था कि पहले नियर बाय एरियाज में हम लोग की बैंक्स होनी चाहिए, कल्याण में होनी चाहिए, अंबरनाथ में होनी चाहिए, मुलुंद में होनी चाहिए, फिर चेंबूर में दादा का प्लान था। तो हम लोग का भी वैसे ही प्लान है कि जो दादा हम लोग को बोल के गए थे कि ये ऐसे ऐसे प्लानिंग एक्सपांशन होनी चाहिए, हम लोग वही पकड़ के चल रहे हैं कि आप नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आप देख सकते हैं कि नवजीवन बैंक उल्लासनगर से बाहर भी ब्रांचेस खोल रही है। गूगल पे वगैरह ओके। दूसरा, जैसे आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है, हम लोग के कस्टमर्स का भी काफी डिमांड है कि भाई ना आपका गूगल पे और ये नहीं चल रहा था। तो हम लोग का पहले कैसे है ना, मोबाइल बैंकिंग हम लोग का डिले हो गया, मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इसमें भी मैं आपको एक रीजन बताना चाहूंगा, हम लोग जो भी अगर सर्विस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सर्विस एकदम फॉल्ट फ्री हो और कस्टमर को उसमें से कभी कोई नुकसान नहीं हो। और डिजिटल चैनल्स में फ्रॉड होने के बहुत सारे चांसेस हैं, आप भी देखते होंगे कि यूपीआई और जो भी है गूगल पे या पेटीएम, तो अभी कंपनी पेमेंट्स बैंक की जैसे आरबीआई ने उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, तो काफी सारे फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं। तो हम लोग जब मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले हम लोगों ने उनके सिक्योरिटी के ऊपर क्लोज टू 60 लाख रुपीज खर्चा किया था। अभी हम लोग नेक्स्ट फेज में हम लोग का IMPS प्रोडक्ट रेडी है विच विल बी लॉन्च्ड बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, और उसके बाद हम लोग का प्लानिंग है कि हम लोग UPI चालू करें। UPI हम लोगों की तरफ से रेडी है, पर NPCI जो है ना उनका एक टेस्टिंग साइकिल रहता है जो 3 मंथ्स पीरियड में रहता है। तो जैसे वो 3 मंथ्स का पीरियड हो जाएगा तो उस पर हम लोग फिर UPI भी चालू करेंगे, प्रेफरेबली बाय जून जुलाई हम लोग का UPI भी स्टार्ट हो जाएगा। नवजीवन बैंक लास्ट 10 ईयर्स आफ्टर कोविड काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कर रही है, जिसमें से हमारे 2 नए आउटफिट्स ओपन हुए हैं, नए ब्रांचेस ओपन हुई हैं, एक अभी मेन बाजार में है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे व्यापारी भाइयों के लिए होगा वो है लोकेशन, टेक्नोलॉजी विथ रेफरेंस टू कस्टमर फ्रेंडलीनेस, विथ रेफरेंस टू पॉजिटिव बिजनेस, विथ रेफरेंस टू नेट ग्रोथ। नवजीवन एकदम सही दिशा पे है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि हम बेस्ट ऑफ द लोकेशंस में आए, बेस्ट ऑफ द जगहों पे आए, जैसे हम कस्टमर्स के लिए सबसे ज्यादा सुविधा प्रोवाइड करें। ये जो हमारे नई ब्रांच है, जो सीरू चौक की ब्रांच है, ये मेन बाजार की ब्रांच है और इस ब्रांच का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम व्यापारियों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा सिंधी भाइयों का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और हम चाहेंगे कि आपके साथ आप भी बढ़े, हम भी बढ़े और बैंक ऐसे ही प्रगति करती रहे। थैंक यू, जय झूलेलाल। सर QR कोड वेरी सून हम लॉन्च करने वाले हैं जो सबको मिलेगा, और स्वाइप मशीन भी प्रपोज्ड है, वो भी जल्दी आने वाली है और सबको मिल जाएगी। सर आप सीरू चौक ब्रांच के मैनेजर हैं और क्या प्रॉब्लम वहाँ पर जो क्लाइंट्स है कस्टमर हो रही है जिस कारण बैंक शिफ्ट की गई? वहाँ पे जो स्ट्रीट है बहुत ही कंजस्टेड है, पार्किंग के लिए भी थोड़ी तकलीफ होती है कस्टमर्स को, और फर्स्ट फ्लोर पे थी सबसे बड़ी बात वो थी जहाँ पे सीनियर सिटीजन को ऊपर चढ़ने में तकलीफ होती थी। तो अभी हम ग्राउंड पे आए हैं तो उनके भी कन्वीनियंस के लिए कुमार डिपार्टमेंट के बाजू में उल्लासनगर सिरुचो। मेरा नाम एके गौतम है, मैं पेंशनर हूँ
1993 में बैंक जो उद्घाटन थियो सिर चौंक ब्रांच जो उन खां वी मुझे अकाउंट आया थे बैंक की सर्विस आउटस्टैंडिंग फॉरेन बैंक का भी तमाम सुखी सर्विस जितने थोड़ा व्याज घट आ पर सर्विस स्टाफ आउटस्टैंडिंग खिलनो सुभाव अन घर वेठे असें सर्विस दींदा कई तकलीफ नी अच्छी गाल अंदर बाहर निकली सुठे अंदर की बैंक वी आर वेरी हैप्पी।